राजा राम की जय हो गाइस सबको। आज की वीडियो की स्टार्टिंग फिर से मैं शाम से ही स्टार्ट करने वाला हूँ, बिकॉज मेरे पास आए हैं टेंटेन। ये देखो भाई, कुछ दिन पहले इसको कपड़े दिलाए थे, तो अब बहाने क्या लगाए जा रहे हैं। इसके पापा के कुछ कपड़े थे जो उनको पसंद नहीं आए, तो ज़बरदस्ती बोल रहे हैं मैं सिलवा लूँ। ये देखो भाई, और मेरा नाम ले रहा है कि आपने कपड़े दिला दिए वो वाले। और ये तीन तीन जोड़ी कपड़े भैया ने मेरे बधाई के तौर पर दे दिए। धन्यवाद भैया आपका, मैं आपका ज़िंदगी भर एहसान नहीं मानूंगा, जब आप दिखोगे तभी पहनूंगा। दूसरा, बाबा ने बताया, बाबा तीन जराट की शादी की बात हो रही, तुम्हें पता है आज मैंने ना उसका वो मनीष का थंबनेल भी शादी वाला डाला। हाँ, तो मैं एक बार तो मन किया था घोड़े पे और बैठा दूँ, कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो भाई साहब चलो, भाई साहब खुशखबरी पर ये नहीं बोलूँगा इसमें क्या है, वो तो आपको बाद में ही बताएंगे, कुछ दिन के बाद, एक दो हफ्ते के बाद, जैसे भी रहेगा जो भी रहेगा, तब तक के लिए सस्पेंस है। गाइस आज सुबह सुबह 4 बजे से जगा हुआ हूँ, ये सिस्टम को अपडेट किया है, काफ़ी ज़्यादा काम था इसके अंदर, और थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह आज से है ना। आज तो मैं आपको क्या ही तो बताऊँ, सुबह सुबह 5 बजे से राखी यहाँ पर बैठी, देखो भाई कुर्सियाँ डाल के, जय श्री राम अंकल जी। आज थोड़ा सा लेट कर दिया मेरे को, 5 बजे से बैठे हमें बैठना है बाहर, हमें ये हो रहा है, भूख 5 बजे भूख लगी है भाई, 5 बजे इसके लिए दूध गर्म किया है और ताकि वो कुछ खा पी सके। एंड जल्दी से अभी मैं अपनी साइकिल उठाता हूँ, मेरे को अखाड़े में ही जाना पड़ेगा। तो चलिए गाइस सीधा अखाड़े मिलते हैं। ऐसे तिलक का फ़ोन आया था, मैं भी चलूँगा। कितने बजे? रात को 12 बजे फ़ोन आया, मैं भी चलूँगा, मैं फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रहा है। क्या चलेगा, क्या गुंडा बनेगा तिलक भाई। ये देखो फिर से आने बैठ गए, गुड, बैठे रहो बैठे रहो। उधर ताऊ भी सुबह 5 बजे खड़ा हो जाता है भाई, ताऊ भी घूमता रहता है उधर। चलिए देखो, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर आते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम दाऊ जी। ये देखो गाइस, अंकल जी हमेशा यहाँ पर सफाई करते हैं, हमेशा हनुमान जी के दर्शन कर लो आप। अब अखाड़े को खोल लेते हैं, रोज़ की तरह अखाड़े में आज भी कोई नहीं है। ठीक है भाई, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, बट सच में क्या डेडिकेशन है यार, हमेशा अंकल जी मैंने देखी है, हमेशा आते हैं भाई। पता नहीं लाइट होगी या नहीं होगी, उम्मीद है हो, फिलहाल तो अंधेरा है एंड लाइट नहीं है गाइस। चलिए अब जल्दी से अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं विदाउट लाइट ही। अच्छी वाली एक्सरसाइज हो चुकी है, जिस बस जाने का टाइम आ गया है, एंडिंग पे चल रहे, हाथ भर चुके हैं तगड़े वाले। बाय द वे प्यास लग रही है, बट आज एक खुशी की बात ये है कि मैं पानी लाया हूँ भाई, आज पानी पीऊँगा सीरियसली, बस गला सुखाने के लिए, बाद में एक साथ ज़्यादा पी लूँगा। एंड अभी हल्की फुल्की और करके स्ट्रेचिंग वगैरह निकलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखो मैं तो हनुमान जी के पास लेटा हुआ हूँ, बैठे पता क्या, ये देखो आप ताऊ ना पूरे यहाँ पे पूरे के पूरे प्रांगण की अच्छे तरीके से साफ सफाई, ये वाला जो जहाँ पर मैं लेटा हुआ हूँ इसको धोकर जाते हैं पानी से, पहले झाड़ू लगाते हैं फिर धोकर जाते हैं, और नीचे वाले में सारे में झाड़ू भाई देखो रहे हैं कितने साफ सफाई। सीरियसली यार, कई बार तो ऐसा लगता है मतलब उनका कोई यहाँ पर स्वार्थ थोड़ी ना है कुछ भी, बस भगवान की जगह है, वो कैसे भी करके यहाँ पर तो हमेशा करके जाते हैं। तो यार कई बार ऐसा लगता है मतलब सोच कर देखो, उनकी दिनचर्या में आता है ये सब, सुबह उठ करके ये सब करना, और हम करते हैं कभी कभी सिर्फ काम करने के लिए, हम भक्ति दिखाने के लिए, ताकि हनुमान जी या फिर कोई भी जिस भी हम देवता की पूजा करते हैं वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो सकें। लेकिन वो मेरे को करना है तो करना है, उनको कैसे भी करना है, उनकी दिनचर्या है, हमारा सिर्फ हम दिखावा ज़्यादा करते हैं हम लोग, कुछ लोग मतलब मैं भी कई बार कर देता हूँ, आप भी करते होंगे, बट इस चीज़ से ये सीखने को मिलता है भाई कि सच में यार निस्वार्थ भाव से भक्ति ऐसी होती है, मतलब कुछ भी हो जाए कहीं पे भी रहे। मैं लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं मेरे को देखते देखते, ताऊ जी हमेशा आते हमेशा, कहीं पर भी कैसे भी कुछ भी हो जाए
इनको ये जाना ही नहीं, इनको सुबह उठ के यहाँ से जाएंगे तो शाम को वापस आ जाएंगे, यहाँ से मतलब जैसे किया अभी उसके बाद तुरंत निकल जाएंगे शाम को, या फिर सुबह 5 बजे आकर के सीधा यहीं पे पहले झाड़ू वगैरह धोना वोना रहता है भाई। मतलब सीरियसली यार, मतलब सल्यूट है यार ऐसे इंसान को, सल्यूट है यार ऐसे भक्त को। डाइट वाइट लेने के बाद में याद आया कि यार बाल भी बनवा लेते हैं, जाके अभी जा रहा हूँ नाई की दुकान पे, पहले तो बाल कटवा लूँगा, फिर आकर के ये भी चेक करना है मेरे को कि जो अपॉइंटमेंट है कल उसका टाइमिंग क्या है, क्योंकि मेरे को टाइमिंग फिर से नहीं पता। अब आकर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करूँगा, नहीं पता होगा तो उनके पास फ़ोन करना पड़ेगा, देखते हैं। सबसे पहले जा कर के बाल कटवा लेता हूँ भाई। कुछ ऐसी शक्ल हो रखी है अभी, वैसे बाल कटवाऊँ मूड कर गया कटवाने का, ज़्यादा वैसे भी नहीं थे। पापा जी ने बोला डैडी छुट्टी करवा ले भाई, तो डैडी के बारे में सोचना पड़ेगा, करवानी तो पड़ेगी वरना फिर से बोलेंगे तो आपके बार गुस्सा हो जाएंगे। इससे पहले गुस्सा हो कटवा लीजिए डैडी, अच्छा रहेगा। चलिए गाइस एक बार निहार लूँ अपने आप को, उसके बाद डैडी कटवाते हैं। मूछे जेल लाना पड़ेगा यार, अच्छी वाली सेट करनी पड़ेंगी मूछे भी, क्योंकि बड़ा का नाला है भाई। क्या वजन कर रहा हूँ, ठीक से भाई दर्द दूंगा। भाई अकेला संभाल रहा है भाई, सारी भाई ने मेरे को अच्छी बात बताई, लोग ना जीने देते ना मरने देते हैं ना भैया, बोलो ना। जी सर, साथ ही से ज्यादा ज्यादा से कभी ज्यादा रोने। हाँ तो जो बोले यार बहुत खाई यार, तो काम धंधा भी करने कर बताए क्या हुआ है, इसके मामा ने सारा बार इसके ऊपर डाल दिया, खुद नहीं आया, इसको अकेला छोड़ दिया। मामा नहीं आया सर। है? मामा अकेला चला रहा है। हमने भगवत गीता में पढ़ा कि कृष्ण भावना भावती व्यक्ति योनि या जाति में भेदभाव नहीं मानता, सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न हो सकते हैं अथवा योनि के अनुसार कुत्ता गाय हाथी आदमी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि से शरीरगत भेद अर्थहीन है। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा के रूप में हर एक हृदय में स्थित रहता है, ऐसा वास्तविक ज्ञान है। जहाँ तक कि विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों का शरीर संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु रहते हैं। तो गाइस फाइनल, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ ना मैं, हैंडसम लग रहा हूँ ना मैं। अभी जल्दी से राखी को ड्यूटी पे छोड़ के आ जाता हूँ, मतलब छोड़ के तो आ चुका हूँ, छोड़ भी क्यों आ जाता हूँ, छोड़ के आ चुका हूँ। उसके बाद उसको खाना देने जाएंगे, खाना देने के बाद में फिर क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे, काम धाम काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है, डेली का रहता है यार वो। अब वो दिखाता हूँ, वो दिखाऊंगा ना तो आप बोलोगे बोर कर रहा है, दैट्स व्हाई मैं वो नहीं शो कराता हूँ आपको, बट अभी थोड़ा बहुत काम धाम कर लेते हैं। फिर मैं राखी को ड्यूटी पर ले जाने के लिए आ जाता हूँ और जल्दी से मम्मी से बात करता हुआ जल्दी से राखी घर पर ले जाने के लिए रेडी हो जाता हूँ। लेकिन वहाँ पर आज दामिनी की ड्यूटी थी, दामिनी मेरे को एक काम बताती है, वो आपको आगे वीडियो में ही पता चलेगा कि क्या काम बताया दामिनी मेरे को, थोड़ा सा वेट करो आप, मज़ा आएगा वीडियो आगे देख, बने रहना वीडियो के अंदर। गाइस मैंने दामिनी को बोला था कि मेरे पास इमली है, बोले मेरा खाने का मन है, उनका चलो हॉस्पिटल से ड्यूटी से ही भेज दिया भाई साहब दादा को, ये लो दादा ले जाओ, डांट लगा लेना इस पे, है ना। ठीक गाइस आते ही काम पे रख दें, क्या बन रहा है? आलू पाव। आलू पाव, आलू बड़ा बना रही है भाई, देख लो भाई ये क्या बेसन है, आलू कहाँ है तेरे। चल ठीक है, बेसन हो गया, आलू हो गया, कढ़ाई होगी, तेल हो गई, मिर्च होगी, बड़ा कहाँ है दोस्तों? बड़ा मैं और तुम छोटे, और जैसे बन जाएंगे छोटे और बड़े दोनों मिलके हो जाएंगे आलू बड़े, मतलब तुम आलू मतलब पानी पी लेता हूँ, नहीं तो फिर घर वाले बोलते हैं पानी नहीं पीता तू भाई, तो पकौड़े इन द सेंस ये ब्रेड क्या बोलते हैं आलू बड़े, आलू बड़े बन गए, चटनी है राखी ने ये पता नहीं कौन सी चटनी बनाई है भाई, एक बार ट्राई करना तो बनता है ये वाली चटनी पहले एक बार। हाँ यार ये बहुत अजीब है, उतना ही टेस्ट है इसका। दूसरा आलू बड़ा खोल के देखी हूँ अगर, देखो गाइस वाओ, दिखने में तो अच्छा लग रहा है, खाने में कैसा लगेगा वो तो टाइम बताएगा।
तो कुछ भी हो यार, टेस्टी तो बनाए, मजा आ गया। अब जिस किसी को भी खाने तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिसके भी 5 शेयर हो जाएंगे मैं उसको बना के खिला दूंगा, आ जाना 5 शेयर दिखा देना, और उस वीडियो पे 10,000 व्यूज आ गए तो ठीक है भाई। तब तक मतलब कि हाँ शायद आप समझ सकते हो मैं ना भी खिलाऊँ, लेकिन आगे तो पक्का खिला दूंगा भाई, आ जाना शेयर करके ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद गाइस। पानी ख़त्म हो गया है, अब यहीं से भरना पड़ता है, बाहर आ करके डब्बों से अंदर डालना पड़ता है भाई। कोई बात नहीं, वैसे 1,000 लीटर की टंकी मैंने पहले से ही अपनी भर के रखी है, इधर सफाई चल रही है, अभी भी थोड़ी बहुत गेहूँ रहते हैं। ये टंकी है एक और अंदर रखी हुई है, होना काम चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट फिर भी ख़त्म तो है ही यार थोड़ी सी, ठीक है बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में। जो गाइस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो। ये देखो भाई जब मक्का खा रहा हूँ, भुट्टा खा रहा हूँ, कुकड़ी भाई, इन दिनों में कौन खाया करे, मन तो ना मेरा, मैं ले आया था, मेरी दरदरी थी, फिर मैंने सोची मैं खा लूँ थोड़ी ही कड़क हो गई, पर नींबू के साथ ओह बहुत अच्छी। चलो अब एडिटिंग कर लेते हैं, इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय श्री राम।